अगर हम आपसे कहें कि शहनाज गिल अपनी जिंदगी में मूव ऑन करेगी लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को साथ लेकर, तो आप क्या कहेंगे? वेल, ये इशारा खुद शहनाज गिल ने दिया है। अगर आपने बिग बॉस सीजन 15 का फिनाले देखा होगा तो आपको याद ही होगा कि जब सलमान ने शहनाज को गले से लगाया और शहनाज रो दी तो सलमान शहनाज को समझा रहे थे। सलमान शहनाज से कह रहे थे कि लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, यू नीड टू मूव ऑन, और तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी तरफ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने में ही शहनाज सलमान खान को जवाब देते हुए कहती हैं, थैंक यू सर, और सर मैंने परफॉर्म किया है। बहुत विनर्स आए हैं बिग बॉस के और आएंगे, लेकिन किंग एक ही था और वो सिद्धार्थ शुक्ला था। जी हाँ, जहाँ सलमान शहनाज को मूव ऑन करने की बात कह रहे थे, वहाँ शहनाज ने फिर से सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर दी। यानी शहनाज मूव ऑन करने को तैयार है लेकिन सिद्धार्थ की यादों को अपने साथ लेकर। वेल, आगे शहनाज ने ये भी कह दिया, मैंने अपनी इस परफॉर्मेंस में सिद्धार्थ को रिप्रेजेंट किया है और मेरा जितनी बार जी चाहेगा मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी। इस बात से भी साफ जाहिर होता है कि शहनाज ना तो सिडनाज को छोड़ेंगी ना ही सिद्धार्थ की यादों को। शहनाज की ये बातें सुनकर हम हेटर्स से सिर्फ इतना ही कहेंगे, जब कुदरत के नियम भी सिडनाज को अलग नहीं कर पाए, सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने के बाद भी सिड और नाज एक ही हैं, तो आप लोग भी अपनी नफरत से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बात तो साफ है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।